हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन जो परंपरा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास लेखन का जो प्रारंभ है वो यूनान से ही हुआ, और आप ये भी जानते हैं कि यूनान यूरोप का के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था यूनान। और इसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में देखें तो ये अब तीनों ओर से ईजियन सागर, ओनियन सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रदेश था। यूनान का जो प्रमुख भाग था उसमें एथेंस है, वो इनका प्रमुख नगर था, जिसकी प्रमुख भूमि है यूनान की है, तो उसको में जो प्रमुख नगर है उसको एथेंस है वो कहा जाता था। और एक तरह से हम ये कहें कि इसका जो दक्षिणी भाग है उसको, उसमें पोलोपोनेशियन आइलैंड है वो आते थे, और इसका जो प्रमुख नगर था वो स्पार्टा था। तो एक तरफ एथेंस और स्पार्टा है वो यूनान के दो प्रमुख नगर है वो कहे जाते हैं, और इन दोनों के मध्य है पोलोपोनेशियन वार है वो भी होते हैं जिसके विषय में आप जानते हैं। तो इसमें जो 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 यूनान का जो प्रमुख भाग है वहाँ एथेंस, और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पोलोपोनेशियन आइलैंड था, और इसका प्रमुख नगर जैसे मैंने आपको बताया कि स्पार्टा था। और जो यूनान का जो प्रमुख भाग और जो दक्षिणी भाग है उसको जोड़ने वाला जो प्रदेश था उसको कोरिंथ कहा जाता था। और जो मेनलैंड है उसमें जो एटिका है वो एक जो प्रमुख जो प्रदेश है वो माना जाता था, और इसके अलावा मेसिडोनिया, थ्रेस वगैरह वो प्रमुख नगर थे। जहाँ तक हम यूनान की इतिहास लेखन की बात करें तो यूनान का जो इतिहास लेखन की जो यूनानी परंपरा है उसके अनुसार प्राचीन काल से ही यूनान के अंदर इतिहास लेखन की जो परंपरा रही थी, और इतिहास लेखन की दृष्टि से यूनान के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है, या इतिहासकार 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें जो मिनोइन युग है उसके अंतर्गत है, एग्रीकल्चर है वो प्रमुख व्यवसाय था, और जो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व तक का काल है वो मिनोइन युग है वो कहलाता था। उसके पश्चात यदि दूसरे युग की देखेंगे दूसरे युग को माइसेनियन युग कहा जाता था, और इतिहास लेखन के जो तीसरा चरण है उसको अंधकार युग कह सकते हैं या महाकाव्य युग कहते हैं, जिसमें जिस युग के अंदर है वो इलियड और ओडेसी है नाम ग्रंथ लिखे गए थे, और ये 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व का काल था। जबकि जो चतुर्थ काल है वो आर्काइक युग कहलाता था, जो कि 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व था। लेकिन यूनान के इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण युग था जिसको क्लासिकल युग कहा जाता है वो एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है, जो कि 500 ईसा पूर्व का काल है, वो यूनान के इतिहास का क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इस क्लासिकल युग है उसमें यूनान के दो प्रमुख इतिहासकार हुए जिनमें हेरोडोटस और थुसिडाइडस है वो प्रमुख थे, ये दो इतिहासकार वो क्लासिकल युग के अंदर हुए। और हालांकि क्लासिकल युग के अंदर इतिहास का एक तरह से प्रारंभ माना जाता है, लेकिन क्लासिकल युग से पहले जो इतिहास था उसमें जो इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसमें हेसियड है वो एक 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 युग है उसको प्रमुख माना जाता है, जिसमें एक तरह से जिसके अंदर जो साइक्लिक थ्योरी है उसको प्रधानता दी जाती थी, और उसके अनुसार है कि जो मनुष्य का जो जो जीवन काल है वो युग चक्रवादी है, और इन्होंने 4 धातुओं के आधार पर है, जैसे हेसियड ने स्वर्ण युग है, रजत युग है, कांस्य युग है, लोह युग है, इसमें इतिहास के कालक्रम को विभाजित किया, और उन्होंने इस युग चक्रवर्ती अवधारणा है उसके विषय में कहा कि ये मनुष्य की पतन का एक तरह से इतिहास है। तो एक तरह से युग चक्रवादी अवधारणा है वो हेरोडोटस से पूर्व वो यूनान के अंदर है वो मौजूद थी। और इस समय जो इतिहास मतलब हम कहें कि एक तरह से युग चक्रवादी परंपरा थी, और इसमें इस हेरोडोटस से पहले जो इतिहास लेखन या इतिहास की जो झलक मिलती है वो
एक तरह से हम कहें कि कविता है या जो गाने हैं उसमें मिलती है। तो उसमें एक तरह से क्या है कि एक वंशावली की जो परंपरा वो भी हमें देखने को मिलती है। तो एक तो गाथा है के रूप में इतिहास की झलक हमें मिलती है, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो एक तरह से थियोक्रेटिक जो इतिहास है वो उसका प्रचलन था। अर्थात इसमें इतिहास की गतिविधियों के अंदर मनुष्य के साथ साथ है वो देवता भी भाग लेते थे। तो देवता और मनुष्य की जो गतिविधियाँ उनको मिक्स किया जाता था, जिसको थियोक्रेटिक हिस्ट्री कहा जाता है। तो थियोक्रेटिक हिस्ट्री का प्रचलन है वो हीरोडोटस से पहले प्रचलित था। इसके अलावा जो मिथ है, जो मिथक है, वो भी प्रचलित थे इस काल के अंदर है। और इसके अंतर्गत क्या था कि एक तरह से जो जो सृष्टि से संबंधित जो गूढ़ रहस्य हैं या देवताओं से संबंधित जो गूढ़ रहस्य हैं उनको कहानी के रूप के अंदर वो समझाया जाता था, जिसको मिथक कहा जाता था, जिसका कोई आधार नहीं था। तो इस प्रकार हेरोडोटस से पहले है वो जो गाथा है या थ्रिकोटिक जो हिस्ट्री है या जो मिथक है उनसे इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और मिथक से एक कल्चरल हिस्ट्री के विषय में प्रकाश पड़ता है। और इसके अलावा हेरोडोटस से पहले जो इतिहास लेखन मिलता है उसमें लोगोग्राफी है, जिसको हम कहेंगे स्थानीय जो इतिहास है उनका भी महत्वपूर्ण स्थान था। और स्थानीय जो इतिहास है उसका आधार था वो एक तरह से ओरल ट्रेडिशन था, मौखिक परंपरा के द्वारा वो इतिहास है वो चलता था। लेकिन यूनान के अंदर जो इतिहास लेखन का जो वास्तविक प्रारंभ है वो हेरोडोटस से माना जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस ने है वो एक तरह से क्या है कि इतिहास को है वो एक मानव पटल पर रखा, एक ह्यूमनिस्टिक हिस्ट्री वो लिखने का प्रयास किया। और इन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें देवता और जो मनुष्य के कार्य उनको मिक्स नहीं किया, उन्होंने एक तरह से मानव की जो उपलब्धियाँ उसको अलग ढंग से है वो प्रस्तुत किया। और जो एक तरह से जो हेरोडोटस है उसकी जो लेखन कला है उसका जो जो इतिहास लेखन का जो जो मेथड थी उसको साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं, क्योंकि उसने पूछताछ के माध्यम से लेखन इतिहास लेखन के लिए इतिहास की सूचनाएं हैं वो संग्रहित करने के लिए एक तरह से उसने जो पूछताछ या इंक्वायरी करने की जो विधि है उसको अपनाया। और हम ये कहें कि उसने एक तरह से जो भिन्न भिन्न लोगों से जो एक तरह से जानकारी प्राप्त की उसको हम ये कह सकते हैं कि उसने सांख्य की विधि है उसको अपने इतिहास लेखन का है वो सारा बनाया। तो एक तरह से हेरोडोटस के इतिहास लेखन के अंदर है वो हमें विश्व दृष्टि देखने को मिलती है, और इतिहास लेखन के अंदर सार्वभौमिकता भी देखने को मिलती है। क्योंकि हेरोडोटस का जो इतिहास लेखन है वो केवल यूनान तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु उसने यूनान के बाहर के जो देश हैं उनका भी इतिहास लेखन किया। जैसे भारत के विषय में, हालांकि अत्यंतपूर्ण एक तरह से पुराग्रह से ग्रसित ही था, वो कहता है कि भारत में चींटियाँ थी वो जो सोना उगलती थी या सोना खोदने का काम करती थी। इस तरह से उसने न केवल यूनान के विषय में अपितु अन्य देशों के बारे में भी उसने लिखा। तो ये महान इतिहासकार जो हेरोडोटस है उनका जन्म है वो एक तरह से यूनान के जो हेलिकार्निसस नामक स्थान पे हुआ। और एक तरह से कहा जाता है कि 484 BC से लेकर के 425 ईसा पूर्व तक इनका जीवनकाल रहा, लेकिन युवावस्था में इनको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनका जो पारिवारिक कलह के कारण से, जो इनके चाचा की जो कॉन्स्पिरेंसी थी उसके कारण से है वो हेरोडोटस है उसको एक प्रकार से अपने जो देश, अपना जो नगर एथेंस है उसको छोड़ना पड़ता है। और ऐसी स्थिति के अंदर है वो अपने देश छोड़ करके वो दूसरे देश में है वो भ्रमण के लिए चले जाते हैं। और उनकी ये जो चुनौती है उस चुनौती को है वो हेरोडोटस है वो एक तरह से है वो पॉजिटिव लेते हैं, और अर्थात अपना जो दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदलने का है वो प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेरोडोटस है वो विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। ईरान के सूसा नामक स्थान का उन्होंने भ्रमण किया, अफ्रीका, मिस्र, यूनान, जो मिस्र वगैरह है, सीरिया वगैरह है, बहुत देशों की उन्होंने यात्रा की। तो उनका जो इतिहास के बारे में जो जानने का जो जो इतिहास के बारे इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का जो कौतूहल था वो बच्चों जैसा था। लेकिन एक तरह से कौतूहल तो था ही थी, उनकी जिज्ञासा तो थी इतिहास को जानने के प्रति, लेकिन साथ साथ एक तरह से उनकी इतिहास की घटनाओं के प्रति एक तरह से उनकी वैज्ञानिक की तरह उनकी पैनी दृष्टि भी हमें देखने को मिलती है।
तो एक तरह से हम कहें कि जो हम कहें कि जो जो जब हेरोडोटस है उसकी जो एक तरह से कोतुलता जो हम की बात करें कि बच्चों जैसा उनके इतिहास जानने में बच्चों जैसा कोतुल था उसके विषय में बात करें, तो वो जब मिस्र गए तो उन्होंने एक तरह से अपने अपने इतिहास का जो 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 गौरव का बखान करते हुए वहाँ के पुरोहितों से कहा कि यूनान में है वो 16 जो राजवंश है उनका एक तरह से है वो इतिहास अब बदलता है देव। तो मिस्र के पुरोहित ने कहा कि 16 राजवंश है आपके यहाँ, 16 राजवंशों को मिलता है, हमारे यहाँ 350 जो 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 राजवंश है उनका जो इतिहास है वो मिलता है। तो इस तरह से उनकी कोतुलता है वो एक तरह से दिखाई देती है, और लेकिन उनके इतिहास लेखन के अंदर जो एक तरह से हम कहें कि अतिरंजिता है वो भी हमें दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के विषय में उन्होंने कहा कि ऐसी चींटियाँ हैं जो कि सोना उगलती हैं या सोना खोदती हैं, या जो उन्होंने जो इथियोपियंस हैं उनके विषय में कहा कि इनके शुक्राणु काले होते हैं, और उन्होंने जो एल्प्स नदी है उसको एल्प पर्वत को है वो एल्प्स नदी है वो कहा। तो नेबुकेडियंस है उसको भी उन्होंने जो एक एक तरह से है वो स्त्री बताया जो कि राजा था। तो इस तरह से उनकी इतिहास लेखन के अंदर सभी बातें हैं वो सही प्रतीत नहीं होती है, कुछ कथाओं के आधार पर है, बिना उसका विश्लेषण किए उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी है उनके इतिहास लेखन के अंदर है वो हमें एक विश्व दृष्टि वो देखने को मिलती है। जब एक तरह से जो जैसे हम कहें कि जब वापस विभिन्न देशों में घूम करके वापस जो हेरोडोटस है वो यूनान आता है, तो इस समय एक तरह से क्या है कि इस समय जो यूनान और जो पर्शियंस जो एम्पायर है उनके मध्य है वो एक युद्ध चल रहा था, जिसका विवेचन है वो अपने ग्रंथ हिस्टोरिका के अंदर विस्तार से वो वर्णन करते हैं। तो उनके इतिहास लेखन के अंदर है वो वस्तुनिष्ठता है उस वो तो कुछ हद तक दिखाई देती है क्योंकि उसका इतिहास लेखन के अंदर दोनों देशों की जो वो जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं दोनों का उल्लेख करता है। हालांकि वो ईरान को बारबेरियन कहता है और एक तरह से है वो यूनान का ज़्यादा पक्ष लेता है क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता का जो भाव है वो परिलक्षित होता है। हालांकि दोनों की अच्छाई बुराइयों का उल्लेख करता है लेकिन फिर भी है वो ज़्यादा पक्ष है वो यूनान का लेता है। तो ईरान यूनान युद्ध के जो वर्णन किया उसमें एक तरह से है उन्होंने बड़ी रोचकता से इसका वर्णन किया, और वो इतनी रोचकता से है वो वर्णन करता था पब्लिक प्लेसेस के अंदर हेरोडोटस खड़ा हो जाता था और बड़ी रोचक ढंग से है वो इस युद्ध के विषय में लोगों को बताता था। वो लोग इतने प्रभावित होते थे कि ऐसा कहा जाता है कि 12 ट्रिलियन तक का है वो पैसे वो एक तरह से है वो हेरोडोटस को दे देते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस की जो इतिहास लिखने की जो शैली थी स्टाइल थी वो एक पूछताछ की शैली थी, इंक्वायरी की शैली थी, और लेकिन जो इतिहास की घटनाओं के प्रति है वो हेरोडोटस का मानना था कि जो जीवन एक जो जो एक तरह से एक नीति के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते थे, और इनका मानना था कि जो जो ईश्वरीय शक्ति है वो उस शक्ति से ही है वो सभी घटनाएं वो संचालित होती हैं। तो लेकिन जो एक तरह से क्योंकि जो आकस्मिक घटनाएं हैं वो कई बार है वो घटना को है वो उलट फेर है वो कर देती हैं। तो इस तरह से उनकी शैली पूछताछ की थी लेकिन वो नीति के अंदर है वो विश्वास करते थे। तो उनका मानना था कि इतिहास से हम सीख ये ले सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं कि परिस्थिति कैसी परिस्थिति के अंदर है वो कैसे धैर्यवान रहा जा सकता है, तो धैर्य की शिक्षा है वो इतिहास की घटनाओं से ले सकते हैं। तो एक तरह से उनका इतिहास की घटनाओं को प्रस्तुत करने के पीछे है वो लोगों को एजुकेट करना भी था कि किस प्रकार धैर्य है वो मनुष्य को धैर्य से है वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो इतिहास लेखन की उनकी जो शैली है उसको पैराडॉक्स शैली कहते हैं भी कहा जाता है, तो यह कह सकते हैं विपरीय अलंकार की विधि है वो कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब एक तरह से इसे विपरीय इतिहास लेखन की जो विपरीय अलंकार की जो शैली है उसके विषय के अंदर एक उदाहरण में मिलता है कि जो हेरोडोटस लिखता है कि जो जो ईरान और जो उसके मध्य युद्ध चल रहा था उस समय ईरान का जो शासक साइरस था और एक लीडिया का राजा क्रोसेस था जो बहुत अमीर था। तो क्योंकि साइरस है वो भी वो एक तरह से यूनान पर अधिकार करना लीडिया पर अधिकार करना चाहता था,
और ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रोसस है वो काफ़ी अमीर था, वो भी है, वो साइरस को पराजित करना चाहता था, उसका भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, दोनों का ही, ईरान का साम्राज्य भी, साइरस का साम्राज्य बहुत बड़ा था, और लीडिया का राजा जो क्रोसस है उसका साम्राज्य भी बहुत बड़ा था। तो उस समय एक तरह से क्या है कि जो 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 एक तरह से जो जो ओरेकल और जो डेल्फी थी जो, 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 जो वहाँ वो अपने भविष्य को जानने के लिए है, वो क्रोसस से वो जाता है, और वहाँ जैसे ओरेकल डेल्फी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं कुजारिन हुआ करती थी और वो भविष्यवाणी करती थी, और राजा युद्ध पे जाने से पहले है वो उनसे है वो एक तरह से अपने बारे में जानना चाहते थे। तो जब 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 क्रोसस है वो उन पुजारिन के पास गया तो पुजारिन ने भविष्यवाणी की कि तुम एक बहुत बड़े राज्य का विध्वंस करोगे, और उससे वो प्रोत्साहित होकर के उसने सोचा कि साइरस को पराजित करेगा, उसके भाग्य में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध करने के लिए चला जाता है और क्रोसस हार जाता है, लेकिन जो पुजारिन की भविष्यवाणी सही हुई क्योंकि जो क्रोसस है उसका भी बहुत बड़ा राज्य था, उसका विध्वंस उसने अपने आप ही कर लिया। तो इस तरह से क्या है कि जो विप्रय अलंकार की जो शैली है उसमें है, वो इतिहास लेखन है, वो क्या कहना चाहिए कि हेरोडोटस वो करता है, विप्रय उनके लेखन के अंदर विप्रय अलंकार की शैली वो हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से क्या है कि जो हेरोडोटस है वो एक तरह से क्रोसस और सोलन के बीच के जो एक तरह से हम कहें कि जो डायलॉग है उसको भी बड़े एक तरह से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, और वो एक जगह कहता है कि आदमी को भाग्यशाली नहीं मानना चाहिए क्योंकि जब तक वो जीवित है तब तक है कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जो उसको भाग्यशाली है कहलाने में रोकती है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को भाग्यशाली है वो नहीं कह सकते जब तक कि वो जीवित है। तो इस तरह से उसका जो जो हेरोडोटस है उसको जो दर्शन है उसमें एक तरह से है वो शाश्वतता दिखाई देती है, क्योंकि उस समय जैसे माना जाता था कि शाश्वत विषयों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन हेरोडोटस है उसने एक तरह से घटना तो शाश्वत नहीं होती लेकिन घटनाओं के पीछे जो दर्शन होता है वो शाश्वत कहा जा सकता है, या उसके पीछे उनके पीछे जो जो कार्यकारण संबंध होता है उसको शाश्वत कहा जा सकता है। तो उस कार्यकारण संबंध को है वो बताने का वो प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस का यूनान के इतिहास लेखन के अंदर वो महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जा सकता है। हेरोडोटस के पश्चात जो यूनान का एक जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ वो जो है वो थुसिडाइडस को माना जाता है, और थुसिडाइडस के विषय में जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो फादर थे वो थ्रेस के रहने वाले थे, और उनके पास है वो सोने की खाने हैं, उनके मालिक थे, और माता भी इनकी जो मदर थी वो भी जैसा आप जानते हैं कि एक थ्रेस की एक समृद्ध परिवार से वो संबंधित थी। तो एक तरह से क्या है कि थुसिडाइडस का जो संबंध है वो भी एक अमीर परिवार से था, और ये युवावस्था के अंदर वो एजुकेशन के लिए है वो उनको इसको जो एथेंस है वो भेज दिया जाता है, थ्रेस से वो एथेंस है वो इसके फादर को भेज देते हैं, और वहाँ वो स्पेक्टिसिज्म का अध्ययन करता है, संशयवाद का अध्ययन करता है, और ये जो संशयवाद है वो उसके 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 जो इतिहास लेखन के अंदर वो संशयवाद है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो थुसिडाइडस है उसने जो पेलोपोनेशियन जो वार है जो कि एथेंस और स्पार्टा के मध्य हुआ उसके विषय में उन्होंने लिखा, और उसकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण है वो पेलोपोनेशियन जो युद्ध है उसके बारे के अंदर जो लेखन है वही थुसिडाइडस का प्रमुख माना जाता है। तो जैसे जो 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 एक तरह से क्या है कि जो थुसिडाइडस है उसको एक नौसेना के जनरल के रूप के अंदर है वो थ्रेस भेजा गया था, और लेकिन नौसेना के जनरल के रूप के अंदर वो अपनी भूमिका है वो अच्छी तरह से नहीं निभा सके, और एक तरह से क्या है कि वो हार जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरह से हेरोडोटस है वो अपनी अपने अपने चाचा की जो एक तरह से जो 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 कॉन्स्पिरेसी के कारण से उनको जो अपना देश छोड़ना पड़ा था तो उसको वो पॉजिटिव लेते हैं, उसी प्रकार से सकारात्मकता है वो थुसिडाइडस के लेखन के अंदर भी मिलती है, और वो एक तरह से है वो एक तरह से जो थ्रेस से आ जाते हैं, और उसके बाद के अंदर जो पेलोपोनेशियन का जो स्पार्टा जो नगर था जो कि एथेंस का शत्रु नगर था वहाँ पर वो रहने लग जाते हैं, और वहाँ वो अपने इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो 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 जब युद्ध समाप्त हुआ
उसके बाद के अंदर वो पुणे है, वो स्पार्टा से है, वो एथेंस से वो आ जाते हैं। और इस समय जैसे आप जानते हैं कि एथेंस के अंदर ओलिगार्की है, उसका प्रचलन था। और जो इतिहास उसमें जो ये एक तरह से जो थुसिडाइडस ने जो इतिहास लिखा वो एक प्रकार से क्या है कि हेरोडोटस के इतिहास लेखन से थोड़ा सा हमें अलग प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से तथ्य प्रक इतिहास लिखने का प्रयास किया। और इनके जो थुसिडाइडस के इतिहास लेखन है उसकी जो शैली की बात करें तो उसमें यथार्थता और जो यथातथ्यता है वो हमें नज़र आती है। और एक तरह से हम कहें कि इसमें थुसिडाइडस ने जो इतिहास लेखन किया उसमें जो कालक्रम है उसको भी ध्यान में रखा गया। और जो एक तरह से थुसिडाइडस ने जो इतिहास लिखा उसमें जो कार्यकारण संबंध है उसको बड़े रोचक ढंग से वो प्रस्तुत किया। और थुसिडाइडस ने कहा कि जो कोई भी जो घटना घटित होती है उसके पीछे जो कारण का जो महत्वपूर्ण रोल होता है, और कारण में एक तो प्रमुख कारण होता है और एक तात्कालिक कारण होता है, तो दो प्रमुख कारण है उनकी भूमिका है उसको भी उन्होंने वो स्पष्ट करने का जो प्रयास किया थुसिडाइडस ने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं थुसिडाइडस है वो उसका जो इतिहास लेखन है वो ज़्यादा वैज्ञानिक था। और एक तरह से उस समय जो हिप्पोक्रेट्स का जो चिकित्सा शास्त्र था उसका प्रचलन था, तो उसमें भी जो चिकित्सा की जो विधि है उसमें जो कार्यकारण संबंध है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। तो थुसिडाइडस को न केवल एक वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है अपितु मनोवैज्ञानिक इतिहास का पिता है वो भी हम कह सकते हैं। लेकिन थुसिडाइडस का जो इतिहास लेखन है वो वैज्ञानिक आधार पर होने के पश्चात भी है, वो उसका इतिहास लेखन हमें नीरस प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी अलंकारिता और वाक्पटुता है और जो गहरी संवेदना है वो हमें एक प्रकार से वो दिखाई देती है। तो देखिएगा कि जो थुसिडाइडस का जो इतिहास लेखन है उसमें एक तरह से क्या है कि उन्होंने एक तो जो ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व हैं उनका उन्होंने वो वर्णन किया, और थुसिडाइडस के जो विभिन्न व्यक्तित्व का जो वर्णन किया उसमें पेरिक्लीज है और एलसी जो बियाडस है वो एक प्रमुख माना जाता है। तो पेरिक्लीज जैसे आप जानते हैं कि यूनान का शासक था, और उनके विषय के अंदर एक तरह से है वो थुसिडाइडस लिखता है। इसके अलावा जो एलसी बियाडस है वो एक पॉलिटिशियन था, और उनके विषय में कहा जाता है कि वो यूनान की जो स्त्रियां हैं उनके प्रति वो ज़्यादा ही अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है एलसीडीआरएस के विषय के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो थुसिडाइडस है उसके इतिहास लेखन के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की संवेदनाएँ देखने को मिलती है। और जैसे हम देखेंगे कि उन्होंने एक तरह से जब जो पेरिक्लीज के समय जो युद्ध हो रहा था और उसके सैनिक उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको सैनिकों को और उनको मोटिवेट करने के लिए भी उन्होंने ये कहा कि ये सैनिक अब आपकी शक्ति पर निर्भर है, जब आप निर्बल होंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए एक शासक को वो निर्णय लेने की जो क्षमता होनी चाहिए। और एक तरह से स्त्रियों के विषय में लिखा कि जिन स्त्रियों के विषय के अंदर है वो जितना कम बात की जाती है वो स्त्रियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इस तरह से क्या है कि वैज्ञानिक इतिहास का लेखन थुसिडाइडस का इतिहास लेखन वैज्ञानिक, और एक तरह से हम कहें कि वैज्ञानिक धरातल पर होने के पश्चात भी उनके अंदर है वो अलंकारिता है वो हमें देखने को या रोचकता है वो देखने को मिलती है। तो जो यूनान का जो प्रारंभिक इतिहास लेखन की जो परम्परा है उसमें यदि हेरोडोटस और थुसिडाइडस के योगदान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस और थुसिडाइडस है उसका इतिहास लेखन है वो मानवतावाद पर आधारित था, अर्थात इन्होंने मानव और जो देवताओं के कार्य उनको मिक्स नहीं किया। और इतिहास लेखन की जो विधि थी इन दोनों इतिहासकारों की है वो वैज्ञानिक विधि थी, हालांकि थुसिडाइडस का इतिहास लेखन में ज़्यादा वैज्ञानिकता दिखाई देती है। उन्होंने गवाहों के आधार पर अर्थात जो पूछताछ के आधार पर है वो अपना इतिहास लेखन वो किया। तो थुसिडाइडस ने तो इतिहास को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए सांख्यिकी विधि है उसका भी प्रयोग किया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक तरह से जो प्रारंभिक जो हम क्लासिकल युग का जो इतिहास लेखन है यूनान का उसके विषय में ये कह सकते हैं कि इन दोनों इतिहासकारों ने वो एक तरह से है वो इतिहास लेखन का विस्तार से वर्णन किया। हालांकि इसमें युद्धों का वर्णन ज़्यादा है, युद्धों को ज़्यादा तवज्जो दिया था, अन्य बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर भी है इतिहास लेखन के अंदर उन्होंने बहुत से तथ्यों का उपयोग किया
उन्होंने तथ्यों को जुटाने के अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। तो एक तरह से इतिहास को है वो उन्होंने एक तरह से अपना पुनः जो स्थान है मतलब महत्वपूर्ण स्थान पर है वो स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा कि इतिहास के अंदर कोई घटनाएं शाश्वत नहीं होती है इसलिए इसका वर्णन करना सही नहीं है, लेकिन थुसिडाइडस ने इस बात का उल्लेख किया कि घटनाएं तो शाश्वत नहीं होती लेकिन घटनाओं के पीछे जो कार्यकारण संबंध है या घटनाओं के पीछे जो दर्शन है वो शाश्वत होता है, इसलिए दर्शन को भी उन्होंने जो इतिहास लेखन के अंदर वो स्थान दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो इतिहास लेखन के वर्णनात्मक ही नहीं था अपितु जो जो फिलोसफी है जो दर्शन है वो भी हमें इनके जो इतिहास लेखन के अंदर हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन परंपरा है उसमें ये जो हेरोडोटस और थुसिडाइडस है उनका एक तरह से वो महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।